हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो जैसा कि आप सबको मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 7:15 में अपना एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है। तो जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आपको 11:30 बजे सेशन को कवर कर रहे थे, बिकॉज मैं इंडिया में नहीं था तो लंदन में सुबह 6 बजे क्लास आपके स्टार्ट कर रहा था। तो यहाँ पे 11:30 बजे लाइव हो रही थी और आप लोग उसको वापस है सुबह अपना जो टाइम है 7 बजे का, 7:15 बजे का, उस टाइम पे आप उसको वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पहले वाले सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। और सैटरडे को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज सैटरडे को मेरे आने की फ्लाइट थी। तो थर्ड फोर्थ कल संडे था और आज अपना फिफ्थ यानी कि मंडे है। तो 3 दिन का करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले वाले प्लीज सारे दिनों के देख लेना, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से सुबह 4 बजे उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया वहां पे, और एक भी दिन का करंट अफेयर आप लोगों के लिए मिस नहीं होने दिया। तो बहुत मेहनत करके सुबह सारे के सारे कंटेंट बनाया, रात को कंटेंट बनाया, सुबह 4 बजे उठ के बनाया, 6 बजे क्लास लाइव करी है। तो आप ही लोगों के लिए करिए, किसी ब्रिटिश या किसी यूएस वाले के लिए नहीं करी है। आप ही के एग्जाम, आप ही की नॉलेज जो है वो डे बाई डे बढ़ जाए, आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाए, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए वो मैंने आपके लिए कवर किया है। तो कवर कर लेना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। सबसे पहले तो देख लेते हैं आज 3 दिन का सेशन करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। छोटे भी आर्टिकल्स हैं, बड़े भी आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल है। होपफुली आवाज वाज बिल्कुल सही है ना सब कुछ? मुझे बता दो, परफेक्ट है आवाज वाज? एकदम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एकदम एक बार मुझे बता दो थम्स अप करके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। चलो आवाज वाज ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो 8 आर्टिकल द हिंदू में से होंगे, वही 7 से 8 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर है, और पीआईबी पीआरएस मिला के यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्टिकल है। आप यानी कि आज हम लोग कम से कम 25-30 आर्टिकल कवर करेंगे, तो 15 आर्टिकल आपको बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, बाकी सारे पोर्टल से आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको क्लास 24 एप्लीकेशन पे और 10 क्वेश्चन का क्विज आपको क्लास 24 पे मिल जाएगा। करंट अफेयर का बैच आज से वापस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले एक साल का करंट अफेयर मैं आपको कवर करवा रहा हूँ आपके सभी एग्जाम के लिए, और आने वाले एक साल का करंट अफेयर भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, है ना। तो अभी पिछले 2023 के कई सारे टॉपिक वाइज मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ, तो आज भी इसी क्लास से ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट चलिए, और आज से कौन सा डे है? सबसे पहले बिलीव यू क्या है? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भरोसा करना है कि आप वो काम कर सकते हो जो करना चाहते हो। कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, अगर आप चाहते हो उसको निकालना तो निकाल लोगे। कोई भी मूवी, कोई भी कोर्ट, कुछ भी चीजें, आपको कोई भी टीचर, आपको सब चीजें आपके लिए टेम्पररी मोटिवेशन है गाइस। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको वो बिलीव अपने ऊपर खड़ा करना पड़ेगा कि आप वो काम कर सकते हो। दुनिया में कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे उसकी बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत पेशेंस होता है, बहुत मुश्किलों से वो चीज है जो कि अचीव होती है और फाइनली वो चीज हो ही जाती है। तो सबसे पहले तो ये मानिए कि जो आप करना चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो जर्नी है वो आपको जीनी पड़ेगी। बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि यार मेरे से होगा नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास में कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन सारी चीजें करनी आप ही को है, कोई और आके नहीं करेगा। और ये सारी चीजें तभी होगी तब सबसे पहले आपको अपने को वैसा देखना पड़ेगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, वैसा आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे चीजें अपने आप होती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ये बिलीव रखो कि आप कर सकते हो, और आप भी कर सकते हो यार। आप कौन आगे करेगा? मार्स में से तो कोई आगे नहीं करेगा ना, जो करेंगे हम भी लोग करेंगे। हम भी लोग यहाँ पे कोई भी कंट्री के अंदर एग्जाम है वो हमारे ही बच्चे हैं जो कि क्रैक करते हैं, और आप ही उनमें से एक होते हो। ठीक है, तो होपफुली आप इस बात को रेगुलरली अपने दिल और दिमाग में रखिएगा कि बिलीव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं सैटरडे के न्यूज़पेपर की। सैटरडे को का जो दैनिक न्यूज़पेपर है, सबसे पहले यहाँ पे झारखंड के जो सीएम है वो चेंज हुए, और 12 सीएम है जो झारखंड को मिले, चंपई सोरेन जी जिनका नाम है। जेजेएम की जो लीडरशिप है उसी के पार्ट है 12 सीएम है जो कि बने, क्योंकि इनसे पहले हेमंत सोरेन जो साहब थे वो चले गए जेल के अंदर 5 दिन की कस्टडी के अंदर, ईडी के द्वारा, नॉट जेल के अंदर तो नहीं गए, लेकिन ईडी की 5 दिन की कस्टडी जो है ना वो उनके द्वारा, ईडी के द्वारा ली गई थी, इसी वजह से वो 5 दिन के लिए वहां चले गए कस्टडी में, और नए सीएम जो कि बनाया गया है। ऑलराइट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज भी कर दिया कि उनके अरेस्ट को लेकर
सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि आप आएंगे। तो कई दिन जो कि निकल जाएंगे, अभी तो 5 दिन के ईडी को उनकी कस्टडी मिले, लेकिन ईडी उसको एक्सटेंड करवा लेगी। इसलिए नए यहाँ पे सीएम जो कि बनाए गए, जितने भी एमएलए हैं उन सबको हैदराबाद भी भेजा गया ताकि पॉन्चिंग ना हो सके। अब वापस से वो अभी आ जाएंगे जब उनका फ्लो टेस्ट है जो कि अभी होगा कुछ दिनों के अंदर, तो फ्लो टेस्ट में उनको अपनी मेजोरिटी है जो कि दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे खड़गे जी का स्टेटमेंट है, यहाँ पे हरिहा को लेकर एक जर्मन यूथ सर्विसेज ने एक बच्ची, आपको मालूम है ना, एक बच्चा एक इंडियन कपल का जो है वो ले लिया था जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, तो उसी को लेकर है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे क्रिमिनल डिफॉर्मेशन को लेकर है, यहाँ पे मलेशिया के अंदर जेल सेंटेंस आधा कर दिया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, वो बताया गया है। यहाँ पे इसराइल को लेकर है, यहाँ पे अभी काफी टाइम बाद में जो है वो बारिश स्नोफॉल है जो कि देखने को मिली साउथ कश्मीर के अंदर, तो वो बताया गया है। अभी बारिश भी हो रही है बहुत ज्यादा, कल भी जयपुर में बहुत बारिश हुई है, लखनऊ में बहुत बारिश हुई है ना। यहाँ पे एक्टर विजय का नाम आपने सुना होगा, तमिलनाडु के काफी फेमस एक्टर है, तो उन्होंने 2026 में इलेक्शन है जो कि वो लड़ेंगे उनकी पॉलिटिकल पार्टी, वो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे मॉस्क पैनल को इंटरनेट रिलीफ देने के लिए मना किया गया है ना, ये ज्ञानवा पे मॉस्क वाला जो पैनल है उसको लेकर बताया गया है। तो ये आपका फ्रंट पेज है, कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 3 पे जहाँ पे बात करी गई है इस चीज को लेकर, इंडियन एयरफोर्स को लेकर। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज है वायु शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो 17 फरवरी को कंडक्ट है जो कि करने वाले हैं। देखो वायु शक्ति जो है वो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, 2024 का ये 2024 की एक्सरसाइज है वायु शक्ति, और काफी ज्यादा हमारे जो इंडियन एयरफोर्स ये मान के चली कि रियल टाइम अपनी पावर है जो कि इसके अंदर दिखाने वाली है। ये पोखरण के अंदर करवाए एक्सरसाइज है जो कि राजस्थान में होगी, और यहाँ पे राफेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रचंड हो गए, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गए, साथ में रेडबेली 40 से 50 टन जो है ना वो 2 घंटे के अंदर जो अपने ऑर्डिनेंस है वो सब जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। लास्ट एडिशन 2019 के अंदर जो कि करवाया गया था, उस टाइम पे हमने जॉइंटली इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, और 121 एयरक्राफ्ट जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि तेजस है, प्रचंड है, ध्रुव है, अपाचे है, राफेल है, मिराज है, सुखोई है, जगुआर है, हॉक है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, चिनूक है, तो M17 है, जितने भी हमारे पास में एयरक्राफ्ट है वो सारे के सारे इसके अंदर पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। तो काफी लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है जो कि यहाँ पे दिखाने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स है ना 1932 को, और 26 को फिर हमने इसको रॉयल वर्ड हटा के इंडियन एयरफोर्स इसका रखा, तो 8 अक्टूबर को ही हम लोग हमारा एयरफोर्स डे जो कि मनाते हैं। अगर आप आज देखोगे तो नियर बाय 2.25 लाख तो एक्टिव है, और रिजर्व के अंदर 1.5 लाख हमारे जवान है, और हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे जो कि सेलिब्रेट करते हैं। कई सारे ऑपरेशन है जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने आज तक करे, इसलिए काफी ट्रेंड है जो कि हमारे एयरफोर्स मानी जाती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, ये तो सबसे पहले, उसके बाद में इंडो पाक वॉर है, कांगो को क्राइसिस हुआ, ऑपरेशन विजय किसको लिए गया था हमने, गोवा के लिबरेशन के लिए, इंडो पाक वॉर 1965 को गई, इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 का है, 1971 युद्ध में बोयराज भी 1971 है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ी, मेघदूत कौन सा है, जब हमने सियाचिन ग्लेशियर में कब्जा किया था है ना, कब्जा हमने जब किया था जब पाकिस्तान को हमने वहां से हटा के हमने जो है उसके ऊपर कंट्रोल किया था, वो हमारा ही पार्ट था पहले। इसके अलावा पोमलेन जो था ऑपरेशन ये किस चीज को लेकर था, पोमलेन था जो मेरे अकॉर्डिंगली ये हमने पोमलेन और पवन ये हमने श्रीलंका के अंदर करे हैं, ठीक है। कैक्टस जो था ये मालदीव के अंदर एक मिलिट्री ग्रुप था उसको हमने रिवर्स किया, कारगिल वॉर लड़ी हमने, एक अटलांटिक शूट डाउन किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक बॉर्डर के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले कई सारे फाइटर के बीच में आपस में लड़ाई हुई, इंडो चाइना बॉर्डर है, और ऑपरेशन गंगा जिसके अंदर हम लोगों ने यूक्रेन से हमारे कई सारे भारतीयों को वापस ले गया है। ऑलराइट, ये सारे के सारे ऑपरेशन थे जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करे गए हैं। अभी अनिल चौहान जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर मार्शल जो है वो वीर राम चौधरी जी है, और हमारे पास में ये सारे फाइटर क्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर में प्रचंड है, ध्रुव है, चेतक है, MI-8, 17, 26 और AH-64 और 25, ये सारे के सारे हमारे पास है, और ये जो सी वाले जो है ये सारे के सारे हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि होते हैं जिसमें ग्लोब मास्टर हमारा बहुत बड़ा है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर। एक आर्टिकल है जो क्या है आप सबको मालूम है, रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले जब अभी बजट इंडिया में बजट आया उसके अंदर भी इसके बारे में चर्चा करी गई। नीति आयोग के द्वारा अभी ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई 2005-06 से लेकर 2019-2022 तक का पूरा डाटा है जो कि यहाँ पे शोकेस किया गया कि 25 करोड़ लोगों को हमने हमारे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में से जो है वो बाहर निकाला है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि पब्लिश किया गया नीति आयोग के द्वारा, ये किसके द्वारा किया गया ये पेपर में पूछेंगे। इसके अंदर हेल्प की गई है यूएनडीपी की, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी की और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की, तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन और इन्वॉल्व है इसके अंदर। हमारे यहाँ पे 2013-14 का जो नंबर है वो आपको ध्यान रखना है 29.17% से गिरकर जो कि 2013-14 में थी 11.28 है जो कि आ गया है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। समझ गए, इसके अंदर नियर बाय 24 करोड़ 24.82 करोड़ लोग जो है वो पावर्टी से बाहर निकले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने मैक्सिमम 6 करोड़ लोगों को पावर्टी से निकाला है, सेकंड नंबर के ऊपर बिहार है 3.77, थर्ड नंबर के ऊपर मध्य प्रदेश है 2.30 करोड़। तो यूपी, बिहार और एमपी, ये तीन आपको ऑर्डर में भी ध्यान रखना है। समझ गए, ठीक है। ऑलराइट, आवाज आवाज ठीक है, एकदम परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी। पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, देखिए पहले हम लोग पॉवर्टी को मेजर किया करते थे आपके कितने पैसे कमाते हो आप, अर्निंग कितनी है, बाद में फिर हमने एक्सपेंसेस के ऊपर देखना चालू किया। अब हम लोग मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर देखते हैं तीन मेजर पैरामीटर जो कि डिवाइडेड होते हैं 10 इंडिकेटर के अंदर। समझ गए, पहले भी हम लोग इसके बारे में काफी बार चर्चा कर चुके हैं। जो तीन पैरामीटर है वो है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसी को हम लोग बाइफर्केशन है जो कि करते हैं। समझ गए, ये बात भी ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ और इसके अंदर कहा जाता है इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। यहाँ पे राज्य के हिसाब से भी जो है वो कितने लोग स्केप हुए उसमें से ये भी बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो की एक थियोलॉजिकल विलेज है जो की बनाया जा रहा है, रिसोर्ट बनाया जा रहा है जो की एक मथुरा के पास में है। मतलब आप एक यमुना एक्सप्रेस वे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना वो 1200 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट बना रही है, हेरिटेज सिटीज का नाम है। हेरिटेज सिटी जो बनाया जा रहा है वो 750 एकड़ के अंदर बनाया जा रहा है, काफी बड़ा, मतलब आप ये मान के चलिए पूरा का एक पूरा नया गांव है जो कि हेरिटेज के ऊपर बनाया जा रहा है, हेरिटेज सिटीज का नाम दिया गया है, जहाँ पे आपको एक गांव मिलेगा, नर्सरी है, कन्वेंशन सेंटर है, परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट है, लाइब्रेरी है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, योगा है, हॉस्पिटल का सेंटर है, एनआरआई असिस्टेंट लिविंग फैसिलिटी है, रिसोर्ट है, इलेक्ट्रिक बस वाली सुविधा है, ये सारे का सारा है। इसका जो नाम है वो हेरिटेज सिटी नाम इसको दिया गया है और ये काम पर यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाई जा रही है, मथुरा के पास में बनाई जा रही है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सूरजकुंड मेला, आपको मालूम है बहुत ही फेमस है दोस्तों सूरजकुंड फेयर, 16 दिन का फेयर होता है जो की फरीदाबाद के अंदर होता है, हरियाणा के अंदर, और बहुत ही फेमस है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है जो की ये माना जाता है सूरजकुंड फेयर, है ना। इसमें एक पार्टनर स्टेट में हमेशा इंक्लूड किया जाता है और पार्टनर कंट्री होता है जिसको थीम स्टेट या थीम कंट्री भी कहते हैं। इस बार स्टेट के अंदर गुजरात को चुना गया है और कंट्री के अंदर इस बार तंजानिया को चुना गया है, यानी कि अफ्रीकन कल्चर है जो कि यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट जो की शोकेस किया गया था। और इस बार जो था ये 37th एडिशन है जो की फरीदाबाद में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, हमारे देश का वुड के थ्रू जो कार्विंग होती है, पोल्ट्री होती है, वेविंग होती है, सब है जो कि यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। समझ गए, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं थीम के बारे में, आपको बताया 2024-15 दिन का, 2 से 18 फरवरी के बीच में इसको करवाया जाना है। सबसे पहले शुरुआत 1987 के अंदर इसको कराई गई थी और लार्जेस्ट फेयर है जो कि साउथ एशिया का माना जाता है। नेक्स्ट है संडे के न्यूज पेपर की बात करें तो फ्रंट पेज पे तो देखो यूएस ने, अभी देखो क्या हुआ कुछ दिन पहले वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट क्या हुआ कि वेस्ट एशिया में जॉर्डन, और देखो आपको मालूम है अमेरिका के है ना आर्मी के और एयरफोर्स के बेस बने हुए बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज में बने हुए, तो जॉर्डन के अंदर भी इनका एक बेस बना हुआ था जहां पे ईरान के कई सारे जो टेररिस्ट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जॉर्डन पे अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक कर दिया। अब जॉर्डन और ईरान के अंदर दूरी बहुत है, समझ गए, लेकिन ईरान के द्वारा जो बैक करे गए जो लोग थे वो रह रहे थे सीरिया और इराक के अंदर, वहां से उन्होंने जॉर्डन पर अटैक किया, जॉर्डन के अंदर यूएस सेना के ऊपर अटैक किया, यूएस का दिमाग खराब हो गया,
यूएस ने क्या किया, अपना रिटेलिएशन के तहत बहुत खतरनाक अटैक किया, अपने सारे ड्रोन भेजे, कई सारे मिसाइल्स भेजी, और धमाधम जो है वो आप ऊपर से एक तरीके से बमबारी इनकी कर दी, जिसमें इराक और सीरिया दोनों कंट्री के अंदर जो इराक के मिलिटेंट रह रहे थे उनके ऊपर अटैक किया। इसकी वजह से ना तो ईरान को इसके बारे में जानकारी थी, ना इसके बारे में सीरिया को जानकारी थी। दोनों ही कंट्री जो है वो खफा हो गए अमेरिका से, ये बोल के कि यार आप तो जब चाहे जो हमारे यहाँ पे अटैक करके जा रहे हो। अमेरिका का ये कहना है कि हमने ईरान को इसके बारे में बताया था, लेकिन ईरान का ये मानना था कि जब हमें आपने बताया तो हम लोग ज्वाइंटली मिलकर इसको करते रेदर देन कि आप अकेले आके करते। तो इस वजह से यूएस एम्बेसडर को वहां पे तलब भी कर दिया गया। तो ये रिसेंटली देखने को मिला, ये यहाँ पे इसके बारे में जानकारी है। अडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे सोरेन साहब है, आयरिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वहाँ के जो लीडर है वो मिशेल ओनील को बनाया गया है फर्स्ट मिनिस्टर जो कि कहते हैं वहां पे, ठीक है। इसके अलावा इमरान खान को और उनकी वाइफ को 7 साल की और सजा हो गई है। देखो 24 साल की सजा पहले भी हो चुकी है, अभी 7 साल और हो गई है। इससे पहले सबसे पहले 10 साल की सजा हुई थी जब इनका एक केस था, उसके बाद 14 साल की फिर से सजा हुई उनके जो तोशखाना जो उनको तो गिफ्ट मिले थे उसको लेकर, और अभी 7 साल की सजा और हुई है अन इस्लामिक मैरिज की वजह से। इनका जो वाइफ है उनका जो पहला हस्बैंड था उसने ये केस ठोक दिया इनके ऊपर, उनको सजा हो गई है कि जो इनकी शादी हुई है वो अन इस्लामिक हुई है, तो उसके वजह से 7 साल की सजा और हो गई है। तो 10 और 14, 14 और 7, देख लो कितने सारे साल हो गए। ये तीन अभी इमरान खान इलेक्शन लड़ने वाले पॉसिबिलिटी उनकी लग नहीं है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये ईरान है और ये जॉर्डन है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ईरान के कई सारे बैंक वाले जो मिलिटेंट थे वो सीरिया में और इराक में रह रहे थे, तो इन्होंने यहाँ से अटैक किया जॉर्डन में यूएस के बेस के ऊपर, और इसी वजह से दोनों कंट्री के ऊपर यूएस ने अटैक किया। तो ये वेस्ट एशिया में ऊपर अभी काफी अनरेस्ट चल रहा है। ईरान ऑलरेडी जो फेलिस्तीन के अंदर जो हमास ग्रुप है उनको भी सपोर्ट करता है, समझ गए, और इसराइल और हमास के बीच में काफी युद्ध चल रहा है। तो इधर तो इसराइल लग रहा है, इधर अमेरिका लग रहा है, समझ गए। तो ये भी आपकी काफी बड़ी स्थिति यहाँ पे ये बन रही है, जहां पर भी अमेरिका लड़ रहा है, यहाँ पे यूएस यूके ने हूती रिबेलियन जो है उसको भी ईरान ही बैक करता है यहाँ पे, समझ गए। तो ईरान एक बहुत बड़ा यहाँ पे सेंटर ऑफ सेंटर है जो कि अभी दोनों टेररिस्ट ग्रुप को लीड कर रहा है, और उसकी वजह से काफी अनरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी काफी लार्ज अटैक है जो कि रेक्सी के पास में किया गया है। अगर आप यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक गल्फ या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जितने भी कंट्रीज है सब जगह पे आपको 1,000, 2,000, 5,000 के आसपास जो है मिलिट्री प्रेजेंस है जो कि मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी, समझ गया। हर कंट्री के अंदर आपको यूएस का बेस मिलता है, तो इस वजह से यूएस जो है वो सब चीज को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं एल के आडवाणी साहब जी को लेकर, जिनको अभी रिसेंटली भारत रत्न के लिए सम्मानित है, अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है, और अभी कुछ दिन पहले ही जो है पहले 2015 के अंदर को इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको मालूम है एक और हमारे पर्सन थे जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज में बहुत काम किया है ना, कपूरी ठाकुर साहब, उनको भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था। दो लोगों को जो है वो भारत रत्न से 2024 के अंदर सम्मानित किया जाएगा, मैक्सिमम 3 लोगों को ये एक साल में मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो इससे पहले 1996 में उन्होंने सरकार बनाई 13 दिन के लिए, 1998 में 13 महीनों के लिए, फिर 1999 से लेकर 2004 के बीच में भी इनकी सरकार है जो कि बीजेपी की बनी थी, जब ये काफी एक्टिव थे पॉलिटिक्स के अंदर। अडवाणी साहब सेवन था हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने 2002 से लेकर 2004 के बीच में, फिर कोल एंड माइन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे पर्सनल पब्लिक के, होम अफेयर के मिनिस्टर भी थे, आईटी भी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे छठे, है ना, पांचवे भी राज्यसभा के अंदर भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, एमपी रहे दोस्तों राज्यसभा के कई बार, और लोकसभा से भी कई बार एमपी जो कि रहे, जैसे कि गांधीनगर से जीते, दिल्ली से जीते, ठीक है, और सेकंड प्रेसिडेंट रहे भारतीय जनता पार्टी के भी 1986 से लेकर 1991 के बीच में। इसके अलावा 1927 में इनका जन्म हुआ, बॉम्बे कराची वाला जो प्रेसिडेंसी वाला एरिया है वहां पे, जो पाकिस्तान का आज के टाइम पे जो सिंध वाला रीजन है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा कमला आडवाणी जी इनके वाइफ है, और बच्चे जो है वो प्रतिभा आडवाणी और जयंत आडवाणी, भारत रत्न पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण से 2015 में और भारत रत्न से 2024 में किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आईएनएस, यहाँ पे संदर्भ के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आईएनएस है जो कि हमारे हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर बहुत काम आता है,
तो अब इसको कमीशन किया गया था। राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के अंदर हमारे जो चार सर्वे जो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सर्वे वेसल, उसमें से पहली यही है ना, ध्यान रखिएगा नाम इम्पोर्टेंट है, संध्यान, INS संध्यान। ये पहले भी थी हमारे, लेकिन इसको हमने पहले डिकमीशन कर दिया था, फिर इसको अपग्रेड करके हम लोग वापस से लेके आए हैं। ठीक है चलिए, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले भी देखिए 1981 से लेकर 2021 के बीच जो पहले भी थी ये सेम नाम से ही थी, लेकिन हमने पुरानी थी बहुत, तो हमने इसको डिकमीशन कर दिया था। ये हमारे अभी तक की लार्जेस्ट सर्वे वेसल है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करी है, गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर जो कंपनी कोलकाता उसके द्वारा उसको बनाया गया है। ठीक है, वॉर शिप डिजाइन ब्यूरो जो एक नेवी का है उसकी मदद से हमने बनाया है। चार वेसल बनाएंगे हम लोग हाइड्रोग्राफिक, उसमें से पहली है जो कि हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं नीतीश के बारे में। नीतीश कुमार का नाम तो आपने अपनी चर्चा में बहुत आपने सुना ही होगा, समझ गए। लेकिन अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार के अंदर ही नीतीश कुमार जी के ही कार्यकाल में अभी रिसेंटली एक नया डिवाइस लॉन्च किया गया जिसका नाम ही नीतीश है। ठीक है, जो कि आपको वार्निंग देने का काम करता है, समझ गए। तो नीतीश कुमार जी भी इस बात पे काफी हंसे कि ये वार्निंग वाला सिस्टम जो नीतीश के नाम पर रखा गया इसको कैसे समझा जाए, जनता के लिए कि पॉलिटिशियन के लिए कि बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए किसके लिए। ठीक है, तो काफी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है उसको उसका मीनिंग है जो कि निकाल लिया। तो देखो क्या है कि नीतीश नाम को जो डिवाइस है ना, आप अपनी जेब में लेके घूम रही है, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, कभी भी कोई भी मान लीजिए फ्लड आने वाला हो, अगर कोई लाइटनिंग बिजली गिरने वाली हो, ऐसी कोई भी नेचुरल अगर डिजास्टर हो रहा है तो आधे घंटे पहले ही आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसको लेकर इसको डिजाइन किया गया है बिहार के मेट्रोलॉजिकल स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी जो है उसके द्वारा ये बनाया गया है। पूरा नाम है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब नीतीश नाम रखा गया, फिर इसका सरनेम इसकी फुल फॉर्म बनाई गई है। पहले फुल फॉर्म बना के नीतीश नहीं बनाया क्योंकि तो इसकी फुल फॉर्म से ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती कोरिलेट किया गया है सीएम को घुस करने के लिए। तो नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा IIT पटना के साथ कोलैबोरेशन करके एक है ना आपके गले में जो पेंडेंट होता है उसके शेप का एक डिवाइस जो कि बनाया गया है, और ये आपको वॉइस मैसेज देगा, कलर भी चेंज कर लेगा। कभी भी अगर मान लीजिए कोई अगर बिजली गिर रही है, फ्लड आ रहा है, हीट वेव्स है, कोल्ड वेव्स है, इस तरीके से कुछ भी अगर हो रहा है तो बिहार का मेट्रोलॉजिकल जो सर्विस सेंटर है उसके साथ में इसको लिंक किया गया है, समझ गए। 8.0 मैग्नीट्यूड का के एक प्रीमिसेस भी जो है वो बिल्डिंग भी डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन करी गई है। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये है जो कि आज का द हिंदू है, जहां पे सबसे पहले तो फ्लोर टेस्ट जो कि झारखंड के नए सीएम है जो कि करने वाले हैं चंपल साहब। यूके यूएस के जो फाइटर हैं आप, तो उन्होंने बॉम्बिंग करी यूटी के कई सारे टारगेट पे यमन के ऊपर जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिख मार्शल आर्ट्स है, यहाँ पे सी है जो हमारे अनंत अनंता जी है जो अनंत है ना जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका स्टेटमेंट है यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर भी जो बाइडन है, जो बाइडन उन्होंने इलेक्शन जीत लिया साउथ कैरोलिना के अंदर ट्रंप को हरा के, वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज है, कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 12 हमारे लिए जरूरी है, जहां पे चर्चा करेंगे किसके बारे में, जल्दी बताइए, रशिया के बारे में। देखिए कौन सा कितने टाइम तक, कितने दिन तक कोई भी एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में टाइम गुजार सकता है, आप बताइए, आपको क्या लगता होगा? 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कितने दिन कोई पर्सन स्पेस में टाइम गुजार सकता है? इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि अभी एक रशियन एस्ट्रोनॉट के द्वारा बना दिया गया है। ठीक है, नाम है इनका ओलेग ओलेग कोनोकेंको, ये इनका नाम है ओलेग कोनोकेंको, रशियन एस्ट्रोनॉट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पता है कितने दिन गुजार दिए इन्होंने? 59 ईयर के 878 डेज है जो कि इन्होंने स्पेस के अंदर रेगुलरली गुजारे, समझ गए। ठीक है, 878 डेज है जो कि इन्होंने गुजारे, कुल मिलाकर इतने दिन है जो कि इन्होंने स्पेस में गुजार दिए जो कि अब तक के हाईएस्ट है। 2008 से इनकी जर्नी है जो कि स्टार्ट होती है। ठीक है, टोटल मिलाकर एक बार में नहीं है 878, अपनी चार पांच जो एक बार ही जो गए ना उन सारे दिनों को मिलाकर है तो जो कि हाईएस्ट है अब तक 878। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेज नंबर 9, यहाँ पे बात की जा रही है पंचायत के बारे में। देखो पंचायत के बारे में हम लोग, आपको मालूम है जब भी हम लोग पढ़ते हैं पंचायत के आर्टिकल जब हम लोग पढ़ते हैं 243 और ये सब, तो उसमें हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि
पंचायत खुद का भी टैक्सेशन सिस्टम होता है जिससे वो रेवेन्यू करती है, समझ गए। गवर्नमेंट से 8,000 करोड़ है और ये खुद का जो उसका टैक्सेशन है उससे बहुत ही कम पैसा है जो कि ये कमा पाते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि फिनेंसियल और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर ये डाटा है जो कि दिया गया है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत अगर हम लोग देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास का खर्चा होता है, उसमें से मैक्सिमम सेंट्रल और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के ही ग्रेंच होता है, जो उसके खुद का टैक्सेशन है वो बहुत ही लो स्टेट के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 80% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और बाकी 3-3.5% जो है ये खुद के टैक्सेशन से कर पाते हैं। तो ये आपसे पेपर में पूछेंगे। मैक्सिमम जो है वो आप देखोगे कि केरला के जो एवरेज रेवेन्यू है केरला की पंचायत कर पाती है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल की पंचायत कर पाती है। ऑलराइट, चलिए। तो हमारा जो 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो पार्लियामेंट में 1992 के अंदर पास किया गया था और उसी के तहत हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट करी थी। उससे पहले पंचायत सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर और उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश करी गई। 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत और 74th से हमने हमारे जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है उसका हमने फॉर्मेशन किया था। दो पार्ट नए इंट्रोड्यूस करें, पार्ट 9 के अंदर पंचायत इंट्रोड्यूस किया और 9A के अंदर जो है हमारे म्यूनिसिपैलिटीज को इंक्लूड है जो कि हमने किया था। तीन लेवल है जो कि हमने पंचायत राज सिस्टम के बलवंत राय मेहता कमेटी के हिसाब से बनाए थे। ऑलराइट, चलिए। 3-tier सिस्टम हमने बनाया। इसके अलावा आर्टिकल 243C में बोला गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन है जो कि होते हैं, है ना, इनके स्टेट का खुद का अपना इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ये सब होता है। SC ST और ठीक है उनके लिए सीट रिजर्व होती है, 1/3 सीट रिजर्व होती है और महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट है जो कि रिजर्व होती है। ST ST के लिए डिपेंड्स अबाउट कि उनकी पॉपुलेशन का जो रेशियो होगा उसके हिसाब से सीट रिजर्व होती है एक्चुअली, समझ गए। जो भी टोटल सीट होगी उसमें से 1/3 हमेशा महिलाओं के लिए होगी, टोटल के अंदर ST ST में भी महिलाओं के लिए होगी और 1/3 जो चेयरपर्सन बनेंगे वो भी हमेशा महिलाएं बनेंगी। 243D के अंदर बताया गया है 5 साल का टेन्योर होगा और वहां के ही लोकल जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो 6 महीने के अंदर इलेक्शन है जो कि करवाएगा। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243K के अंदर में बनाया जाता है और 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस है जो कि हमारे देश में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। तो यहाँ पे जो बात करी गई है वो पेंडोरा पेपर्स के बारे में बात करी गई है। तो आपको मालूम होगा कि इस मुद्दे के बारे में बहुत पहले भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। 2000 एक बार वीडियो को शेयर कर देना, जो लोग सो रहे हैं वो भी जाग जाए कि आज क्लास हमारी सुबह हुई है, ठीक है। तो हमने कई सालों पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था और आपको बताया भी था, कई सारे पेपर आ चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई समस्या भारत के अंदर बिजनेसमैन को नहीं हो पाई है। बहुत पैसा रिमिट करते हैं यहाँ से, पैसा टैक्सेशन बचाने के लिए विदेशी कंपनियों में, वहां के डमी कंपनीज बनाते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना लॉस दिखाते हैं, इस तरीके से उनको बोलते हैं शेल कंपनीज, समझ गए, जो एक्चुअली में कंपनी होती नहीं लेकिन दिखती कंपनी जैसी है और अपना टैक्सेशन बचाने के लिए वो पैसा या फिर जो आपको कैश का पैसा होता है ब्लैक मनी है उसको ठिकाने लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेपर है जो कि रिलीज हो चुके हैं, उसमें से एक पेपर था पेंडोरा पेपर्स, समझ गए। उसके अंदर अनिल अंबानी का नाम था, मीरा राधिया का नाम था, गौतम सिंघानिया है ना, बकुल नाथ, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, ऐसे कई सारे बड़े बड़े लोगों के नाम थे। 2021 के अंदर इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा करी गई थी। कुल मिला के 11 बिलियन पेपर सीक्रेट पेपर है, डॉक्यूमेंट है जो कि रिलीज करे गए थे। 14 ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा उन्होंने डिटेल दी थी। 29,000 ऐसे करोड़ लोग हैं, 29,000 ऑफशोर एंटिटीज की, रिच लोगों की जिन्होंने अपना पैसे को फ्लो किया है। 150 मीडिया पार्टनर के साथ में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ में डेटा शेयर किया गया था, उसके अंदर इन सबके भी नाम थे। अब पता नहीं एकदम से ईडी को कैसे याद आ रहा है, ईडी ने सबको जो है वो संबंध भेजा है, सबको डिटेल भेज दिया है, ईडीआई सीबीआई सारी जो है वो एजेंसी इनको संबंध भेज रही है और इनसे जानकारियां जो कि ले रही है। पता नहीं 2-3 साल बाद एकदम से कैसे याद आ गई। तो सर्चे पे संबंध जारी करे गए हैं ईडी के पेंडोरा ब्लॉक के अंदर इंडियन ओनर्स के द्वारा जो कि ऑफशोर कंपनीज के ओनर्स है। आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं एकदम से आपको जानिए, पहले बहुत सारे पेपर आ चुके हैं, हवाना पेपर्स आए थे और भी बहुत सारे पेपर आए थे, अमिताभ बच्चन का भी नाम था, बहुत लोगों का नाम था, आज तक कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं 250 साल पुराना ओल्ड सोल्यूशन जो कि क्लाइमेट को फाइट करने को लेकर बनाया गया है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे रिसेंटली रिसर्चर जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ है ना पैलियो साइंस के हैं, उन्होंने 2500 साल पुराने तरीका निकाला है वाटनगर के अंदर क्लाइमेट चेंज को कैसे लोग पहले टैकल किया करते थे 2500 साल पहले। तो स्टडी ये जो की करी गई है ना, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, प्लांट के जो रिमेन्स है, जो वहां का डाटा है, उन सबको एनालिसिस करके
बताया गया कि ये लोग जो है ना चारदोल को ग्रेन्स को रेडियो कार्बन से जो है वो हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो जो गुजरात में ये वाला जो रीजन है पाटनगर का, ये सेमी एरिड था, यानी कि काफी सूखा एरिया था, लेकिन उनकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि उन्होंने तरीके अपना रखे थे अपने आप को जो है ना क्लाइमेट चेंज से बचाने को लेकर। ठीक है, कई बार जो है यहाँ पे मानसून का प्रॉब्लम है, चूंकि आया करता था, कई बार बारिश ज्यादा होती थी, कई बार कम होती थी, और हमेशा से पाटनगर वाले रीजन में ऐसा ही रहा है। तो इस रीजन को स्टडी कर रहे हैं हम लोग कि कैसे उन्होंने अपने आप को मैनेज किया था, समझ गए। चलिए, तो अपने पेजेस के अंदर तो सी प्लांट सी फोर जो प्लांट है वो रिस्पेक्ट करता है कि कम्युनिटी ने किस तरह से अडॉप्शन किया था, उसको हम लोग ये लोग स्टडी कर रहे हैं, ताकि आज भी जो है वो उस चीज को इम्प्लाई करके किया जा सके। बिरला सालिन जी तो पहले साइंस जो 1946 के अंदर इसकी शुरुआत करेंगे, बीरबल सालिन जी के द्वारा, जिन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया था, प्लांट की लाइफ के ऊपर, जियोलॉजिकल कंसर्न के ऊपर, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के ऊपर, इन सब के ऊपर इन्होंने काफी काम किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। सी के वीड होते हैं, ये एक एल्गी होती है एक तरीके से, जो कि कल्टीवेशन के अंदर काफी मदद करती है। तो अभी देखो क्या है कि इसके ऊपर पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी मल्टी सेलुलर एल्गी होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते हैं क्या होते हैं, कई सारे कलर्स में होते हैं, रेड ग्रीन ब्राउन, है ना, इनको मेडिकल फूड ऑफ द 21st century भी कहते हैं, यानी कि मेडिकली आपको काफी मदद करती है। ठीक है, ये आपको मेजरली जो बैक वाटर्स वाला जो एरिया है, एस्टुरीज वाला एरिया है, उस एरिया में मिलेंगे आपको, है ना। हमारे यहाँ पे नियर बाय 844 ये स्पीशीज देखने को मिलती है अलग अलग प्रकार की, हमारे मेजरली जो अंडमान निकोबार है, केरला है, जो हमारे ऐसे एरिया जहाँ पे आपको डेल्टा मिलेगा, एस्टुरीज मिलेगी, आपको बैक वाटर मिलेंगे, उस एरिया के अंदर आपको काफी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एक अगर नाम की एक होती है सीवीड, ये रेड एल्गी से बनती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा थिक होती है, आपके जेलीज बनाने के काम आती है, आपके जैम बनाने के काम में आती है। इसी प्रकार से एक और ब्राउन एल्गी भी होती है, वो आइसक्रीम के अंदर, सॉसेज में, इनके अंदर भी काम में आती है, समझ गए। 46 ऐसी इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर जो की काम कर रही है, हालांकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से हम लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते, इसीलिए इस बार कॉन्फ्रेंस करवाई गई ताकि इसका डेवलपमेंट किया जा सके। आगे बात करते हैं पेंगुइन्स के बारे में, है ना, गेंटू पेंगुइन्स, ये भी 200 अभी रिसेंटली जो पेंगुइन है उनकी डेथ हो गई फॉकलैंड आइलैंड्स के अंदर। ये अंटार्कटिका का ही दोस्तों एक रीजन है जहां पे H5N1 वायरस की वजह से जो है क्या हो गया, पेंगुइन भी बेचारे नहीं बच पाए। मतलब पहले तो ऐसा था कि इंसान को ही टेंशन थी, अभी ऐसा हो गया कि पेंगुइन भी जो है वो टेंशन के अंदर है, क्योंकि वहां पर भी वायरस पहुंच चुका है, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको हम लोग कहते हैं। साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर जो है ना फॉकलैंड आइलैंड जो है वो कई सारे आइलैंड्स हैं, ओके, और वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिली। इससे पहले 1996 में भी वहां पे प्रॉब्लम आई थी, इसको नॉर्मली बर्ड फ्लू के तौर पर जानते हैं, बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है, बहुत तेजी से फैलता है, वायरस बर्ड्स को बहुत इंपैक्ट मारता है, और आपकी जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसको भी बहुत इंपैक्ट करता है। पहली बार जो है चाइना के अंदर ही ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि पाया गया था, और है ना उसको गूज या गुएनडेन ये सब नाम है जो कि दिया गया था, ये भी पहली बार चाइना के अंदर ही पाया गया था, ओके। हमारे यहाँ पर भी जो है वो पहली बार 2006 के अंदर अटैक हुआ था हमारे महाराष्ट्र के अंदर, और उसके बाद में 2016 के अंदर भी H5N8 इसी का ही एक और वर्जन है जो कि पहली बार इंडिया के केरला के अंदर देखने को मिला था। 24 स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर हमारे देश में 90 लाख बर्ड जो है वहां तक ये बर्ड फ्लू पहुंच चुका था, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार जानवरों को मारना भी पड़ता था, बर्ड्स को, समझे, कई सारे इसके टाइप है A, B, C और D, ठीक है, ए जो है वो कई सारे एनिमल और बर्ड को इम्पैक्ट करता है, बी सिर्फ ह्यूमन को करता है, सी जो है वो ह्यूमन और पिग्स को करता है, और डी जो है वो कैटल को करता है, और कई अलग अलग इनके सब टाइप्स होते हैं, H1N1 और इनके, है ना, एच के अलग होता है, नाइन का अलग, दोनों मिलकर फिर ये वायरस बनाते हैं। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड्स की बात करें, ब्रिटिश का ही दोस्तों टेरिटरी जो कि आपको साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, 500 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना और ब्रिटिश दोनों के बीच में इसको लेकर कई बार टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो तो साउथ, देखिए यहाँ पे आपको फॉकलैंड आइलैंड से साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2015 के अंदर कि H1N1 वायरस जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया बर्ड फ्लू से संबंधित है, ये सवाल आया था। नेक्स्ट है सी केयर्स वेब पोर्टल, सी केयर्स नाम से ही आपको सुनना समझ में आ गया होगा, सी केयर का मतलब है, सी का मतलब कोल, कोयला वाले मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना, ताकि
सीकेएस है ना। और ये किस लिए है, जो कोल की जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर जो काम करते हैं उनके प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस लिए काम आएगा कि सारा का सारा कोल से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो रख सके और जो भी प्रोसेसेस है वो एकदम प्रॉपर ऑर्डर में काम हो सके। डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी पेंशन हो गई, उनकी सैलरीज हो गई, सारी चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके, इसलिए इसको मिनिस्टर ऑफ कोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। समझ गए? चलो ठीक है, ध्यान रखिए 3.5 लाख प्रोविडेंट फंड के अकाउंट से जो इनके पास में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं संध्यान। तो अभी इंडियन, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, तो ये आपने लॉन्च किया था अभी है ना। नेक्स्ट है यूनेस्को का 1970 का कन्वेंशन। देखो रिसेंटली क्या हुआ कि यूरोपियन म्यूजियम जो है ना, उनको काफी उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जो सामान उन्होंने जब अपने कॉलोनी बनाने के टाइम पे दुनिया में से जो इकट्ठे करे उसको लेकर दोस्तों ये काफी प्रेशर हो रहा है कि उनको लौटाना है। तो इस बार मैं लंदन के अंदर ब्रिटिश म्यूजियम गया नहीं, वरना मैं आपको वीडियो भेजता कि दुनिया में कितने सारे सामान है जो कि चोरी कर करके ब्रिटिश हिस्ट्री म्यूजियम में जो कि बना रखा है उन्होंने, है ना। दुनिया में हमारे भी बहुत सारे सामान पड़े हैं, तो अब दुनिया से प्रेशर आ रहा है कि यार सामान वापस लौटाओ यार, अब तो सबके इतने साल से तुमने रख लिया। हालांकि उसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे वो दुनिया को देखने के लिए, लेकिन जिसका देश का है उसको लौटाओ वापस यार, अब तुम क्या हमेशा रखोगे इन सबको। तो यूरोपियन म्यूजियम में बहुत जगह पे ऐसा है, क्योंकि सारे के सारे चाहे स्पैनिश हो, पोर्चुगल हो, फ्रेंच हो, ये क्या नाम है, नॉर्वेजियन हो, डच हो, ब्रिटिश हो, सब ने जो है दुनिया में अपनी अपनी कॉलोनी बसाई है। जब इन्होंने कॉलोनी बनाई थी तो वहां से जो जो इंपोर्टेंट सामान था सब उठा के अपने कंट्री में रख लिया, तो ये प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको लेकर एक कन्वेंशन भी है एक्चुअली, उसको 1970 कन्वेंशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो इसमें क्या, हमेशा एक्सपोर्ट करना इस तरीके के सामान को बेचना हो इलीगल माना जाता है, और जिस जो कंट्री का है उसको वापस से अवेलेबल करवाने के लिए बोला जाता है। इसको कल्चरल प्रॉपर्टी के बोलते हैं इसको एक्चुअली भाई। ठीक है, कल्चरल प्रॉपर्टी। मैं आपको 2-3 वीडियो जो अवेलेबल करवा दूंगा, एक ऑक्सफोर्ड का करवा दूंगा जो मैंने बना रखा है, अभी आपको दिया नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बनवा दूंगा। एक यार बहुत ही डेप्थ में एक मेट्रो स्टेशन है जो कि हैरान हो गया मैं देख के, इतना डेप्थ में कोई कैसे बना सकता है गड्ढा खोद के। ठीक है, एक वो वाला मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। ऐसे 3-4 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया वैसे यूके के, तो वो मैं करवा दूंगा आपको 2-3 दिन के अंदर। चलो ठीक है, एक दो मेट्रो स्टेशन बहुत नीचे था यार, मतलब नीचे चले गए लिफ्ट में, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसा लगता है कि कहाँ मतलब पाताल लोग, थोड़ा सा और नीचे कर दो तो पाताल आ जाएगा, पाताल लोग वैसे लोग निकल के आ जाएंगे। काफी डेप्थ में मेट्रो स्टेशन बना रखा था मतलब, तो ठीक है ना। तो इसकी जो टोटल पार्टी थे वो 144 टोटल पार्टी थे। इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया था 1977 के अंदर, और इसको लॉन्च किया गया था 1972 में, क्या था लॉन्च, हम इसके 77 में हम इसको सिग्नेटरी बने थे। ठीक है चलो, और तो कुछ खास नहीं है, और ठीक है आगे बात करते हैं यूएन के रेगुलर बजट को लेकर। देखो यूएन का भी अपना बजट होता है, हर कंट्री इसके अंदर पैसा देता है इसमें काम करने के लिए। तो हमने भी अभी रिसेंटली जो है वो $32 मिलियन है जो कि हमने रेगुलर बजट के ऊपर 2024 के अंदर दिए हैं। यूएन के जो चार्टर है, जो ट्रीटी है जो कि हमने साइन करी थी जून 1945 के अंदर, उसके तहत यूएन के काम के लिए हमें जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसके उसको मेंटेनेंस के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, सबको देने पड़ते हैं। समझ गए? तो यूएन की जो कोर बॉडीज की जो सैलरी है, जो भी काम है ना, पीस कीपिंग फोर्सेस के अलावा जो भी काम है वो सारे के सारे इसके अंदर में किए जाते हैं, सारे के सारे मेंबर ग्रुप से जो कि इसके पैसे देते हैं। दो प्रकार से फंडिंग होती है, चलिए, और ठीक है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आपने कभी ऐसी कोई मधुमक्खी देखी जो कि डंकी नहीं मारती हो? सुन के अजीब लगेगा ना कि ऐसी कोई भी जो कि डंग नहीं मारती, उसको स्टिंगलेस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मधुमक्खियां जो कि स्टिंग नहीं मारती है उनको स्टिंगलेस बीज है जो कि कहते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, पेरू के अंदर है ना, इनको कंजर्वेशन के लिए काफी काम किया जा रहा है अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये भी नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ गए? तो स्टिंगलेस बीज जो है आपको सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेजोन में मिलेगी फॉरेस्ट एरिया के अंदर, और ये जो है वो डंक नहीं मारती है। ओके, हाईली लिक्विड विस्कोसिटी होती है, हनी प्रोटेक्शन बहुत कम करती है, और काफी जल्दी इनकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। कंपेरेटिवली जो हमारी हनी बीज होती है ये अफ्रीका, चाइना, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, सब जगह ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल में मिलेंगे स्टिंग, यस, और ये विस्कोसिटी आई है, हनी का प्रोटेक्शन ज्यादा करती है, और ये कैसे भी अडॉप्टेशन कर देती है।
तो ये अभी अमल पर बचाने के लिए इसके ऊपर काफी काम हो रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेचर के अंदर जितने भी आपको चीजें मिलती हैं इन सब की अपनी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है डिजीज को बचाने के लिए। ये पॉलिनेटर का काम करते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट बने रखने के लिए इसका रखना भी बहुत जरूरी है। मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, हीट, जो हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज है जो कि इसके पास में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। और बायोडायवर्सिटी अगर आपने मेंटेन रखनी है तो उसके लिए इसका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लंग्स ऑफ द अर्थ है जो कि हम लोग कहते हैं, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, इसका नाम है घर। तो ये घर जो पोर्टल है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया था हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, चाइल्ड एंड फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के द्वारा, डब्ल्यूसीडी के द्वारा। इस पोर्टल के तहत क्या था कि जो भी बच्चे अपने घर उनका खो गया है या फिर वो घर से खो गए हैं, है ना, उनको रीयूनाइट करवाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, समझ गए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा इसको बनाया गया था, ताकि जो बच्चे खो गए उनको ट्रैक कर सके, उनको मॉनिटर कर सके और ऐसे केसेस को जो है हम लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट एक्स के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट एक्स है ये क्या है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए है ना। देखो ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में आज से नहीं, आज से 2000 साल से पढ़ाया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे हम लोग इतने छुपते चले गए इन कामों से कि हमने लोगों को अवेयर करना ही बंद कर दिया। हमारे कामों सूत्रा से लेकर हमारे जो आर्ट है, लिटरेचर है, सब जगह पे सेक्सुअलिटी के बारे में चर्चा करी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, स्कूल बताने को रेडी नहीं है, बड़े लोग बात करने को रेडी नहीं है, इसकी वजह से बच्चों में गलत फहमियां बढ़ती है, गलत तरीके से सेक्सुअलिटी को समझते हैं और उसके बाद में क्राइम भी करते हैं, छुप छुप के गलत काम करते हैं और उसके बाद में टेंशन डिप्रेशन से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती नहीं है वो भी बाद में बढ़ जाते हैं, समझ गए। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी थी कुछ टाइम पहले, अक्षय कुमार, कौन सी, ओ माय गॉड का सेकंड पार्ट बना था, देखिएगा आप, अगर आपने नहीं देखी है तो, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक्स उसी को लेकर है कि स्कूल के बच्चों को जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जो कि हम लोग सेक्सुअल हेल्थ के बारे में देख सके। ठीक है, केरला के अंदर जो कि इसको शुरुआत किया गया है, एक्चुअली केरला के द्वारा ही किया गया है और टेक्नो पार्क करके गाइड हाउस है जो कि बनाया जाएगा सीएसआर पार्टनर के तहत, जो है केरला गवर्नमेंट इसको कर रही है कि भाई सेफ क्या होता है, अनसेफ क्या होता है, गुड टच बैड टच क्या होता है, सब चीज बच्चों को बतानी बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया ने बजट पेश किया गया जिसमें अंदर भूटान का जो शेयर है वो बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास के जो भी कंट्री है ना, इन सबको हम लोग पैसा देते हैं, बजट देते हैं कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए। तो भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस, इन सबको अपने इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एक एक्सटर्नल असिस्टेंट है जो कि दी गई और टोटल डेवलपमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यूरेशिया और लैटिन अमेरिका का भी जो टोटल है वो 5 लाख करोड़ का है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उसके तहत दोस्तों हम लोग भूटान को इस बार मैक्सिमम शेयर जो कि देने वाले हैं। आगे बात करते हैं सनराइज टेक्नोलॉजीज के बारे में। सनराइज टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमारे इस बार बजट में इसके बारे में बात करी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सनराइज टेक्नोलॉजी का मतलब वो टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डाटा साइंस है, 4G 5G टेक्नोलॉजी है ना, डेटा माइनिंग है, ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उनको सनराइज टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव कर सके इसलिए दोस्तों ये पैसा है जो कि सरकार खर्च करने वाली है, समझ गए। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन भी जो है इसके ऊपर अवेलेबल करवाया जाएगा, जो भी स्टार्टअप या जो भी कंपनी खुलेगी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करेगी उनको टैक्स फ्री जो है वो बनाया गया है। पहले तो जय जवान जय किसान का चेंज करके जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी कि रिसर्च है ना, डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है, वो उसको लेकर लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं लाभ के बारे में। ये लाभ क्या है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, लघु वन जातीय, ये देखिए लाभ योजना, ठीक है, लघु वन वन जातीय द्रव्य क्रय। तो इस योजना में क्या किया जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो कि दी जा रही है, अगर आप कोई फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो, जिसको मिनी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर जो कि कहते हैं, माइनर, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट के अंदर जो छोटी छोटी चीजें जो आप बनाते हो उसको लेकर जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, समझ गए। इससे 23% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको इससे काफी मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं वर्ल्ड लेप्रेसी डे को लेकर, आज बहुत सारे हैं चीजें, ठीक है, हमारा आज काफी बड़ा सेशन है, क्योंकि 3 दिन का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड लेप्रेसी डे दोस्तों हर साल मनाया जाता है, जनवरी का जो लास्ट संडे होता है ना तब मनाते हैं हम लोग। इस बार कोइंसिडेंटली वो महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन वाले दिन यानी कि 30 जनवरी को दोस्तों पड़ गया। लेप्रेसी स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस बार की थीम रखी गई है बीट लेप्रेसी, ओके, इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं, क्रॉनिक इंफेक्शन डिजीज है और बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेप्री करके एक बैक्टीरिया होता है,
माइकोबैक्टीरियम रैपिड, उसके वजह से होता है बैक्टीरियल डिजीज है और एक से दूसरे इंसान को भी फैलता है उसके ड्रॉपलेट्स की वजह से, अगर वो रेगुलर कॉन्टेक्ट में आ जाए तो, छोटे मोटे कॉन्टेक्ट से नहीं, ज्यादातर कॉन्टेक्ट में होने से होता है। स्किन का डिजीज होता है, स्किन की पूरी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ये अटैक करता है बाय बैक्टीरिया, हर एक एज ग्रुप को हो सकता है और ये ट्रांसमिशन डिजीज है। ठीक है, आपको देखिए इस तरीके से आपको स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है, हैंसन डिजीज कहते हैं। और एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक तो होता है लॉन्ग टर्म, हालांकि ट्रीटेबल है, अगर आप इनिशियल स्टेज पर इसको ट्रीट करना चालू करते हो तो उसकी मेडिसिन है, आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, आपके आईज से लेकर किडनी को लेकर बहुत सारी चीजों को ये इम्पैक्ट करता है। ऑलराइट, क्यूरेबल होता है अनलिस्टेड के अंदर और उसकी डिसेबिलिटी भी रोका जा सकता है, अदरवाइज बाद में ये होता है मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है इसके अंदर, एमटीडी इसके अंदर, रिफेनपिसिन और क्लोरोक्साइन, ये तीन प्रकार की मेडिसिन है, वो तीनों लेनी पड़ती है, तो इसको मल्टी ड्रग थेरेपी है जो की कहते हैं। ग्लोबली 2 लाख केसेस हर साल देखने को मिलते हैं और 2022 के अंदर भी दुनिया के 180 कंट्रीज में 2 लाख के आसपास केसेस देखने को मिले हैं। मेजरली आपको अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। हमारा कंट्री दोस्तों, हमने इसके ऊपर बहुत साल पहले ही काम करना चालू कर दिया था 1880s 1890s के अंदर, तो हमारे देश में केसेस बहुत कम है, थैंक गॉड। 1 लाख के अंदर कोई 10,000 पॉपुलेशन पर कोई एक केस जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसका एलिमिनेशन जो कि अचीव कर लिया था। ओके, 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर आज के टाइम पे 0.4 प्रीवेलेंट रेट है जो कि आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब देखिए ये सब जो है वो ये जो डिजीज है लेप्रेसी, ये भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आता है। बहुत सारे डिजीज है जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल में आते हैं, जिनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे दुनिया में डिजीजेस 1 बिलियन की पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल में प्रोटोजोआ के भी है, जैसे चागोज है, वैसे ही वायरस के भी है, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, बैक्टीरिया के हैं, है ना, वैसे ही एलमिंथ के, कई सारे डिजीजेस जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल में आते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, उन्होंने भारत को लेकर एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट है जो कि बनाया है। इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत को कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी और कितनी हम लोग कोयले से या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे। ऑलराइट, तो 2026 तक का इसमें बताया गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट पब्लिश करके इनके द्वारा, और अभी भी बोला गया कि 2026 तक हमारे यहाँ पे कोयले से ही ज्यादा प्रोटेक्शन है जो कि होगा, कोयले की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। 68% जो इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कोयले से ही पूरी होगी, हर साल 9% बढ़ेगी। 2070 पे हमारा टारगेट है नेट जीरो करने का। ठीक है, अभी हम लोग 68% के ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हर साल 7% के आसपास हमारी बढ़ेगी और 6.5-7% के आसपास हमारा एवरेज है जो कि हम लोग हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, 2026 तक चाइना को हम लोग पीछे कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के अंदर, यानी कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि हम लोग चाइना को पीछा कर देंगे। ऑलराइट, न्यूक्लियर पावर के अंदर अभी हम लोग बहुत पीछे है, सिर्फ 2-2% के आसपास हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट चाइना और इंडिया के अंदर ही होगी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर भी हम लोग जो है वो 6 गीगावाट से 13 गीगावाट जो कि हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और न्यूक्लियर जनरेशन 10% के हिसाब से हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं। आज के टाइम पर जो हमारा डेटा है दोस्तों वो है फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से हम लोग 56% कर रहे हैं जो कि टोटल मिला के 68 के आसपास है, रिन्यूएबल एनर्जी से 41 के आसपास और न्यूक्लियर से नियर बाय 1.5-2% हम लोग, ये हमारी आज के टाइम पे कैपेसिटी जनरेशन है, जनरेशन कैपेसिटी है जो कि इस हिसाब से कर रहे हैं, ये हमारा पूरा पावर सेक्टर है आज के टाइम पे। ऑलराइट, चलिए ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट आपको मालूम है, 2030 तक 500 गीगावाट हमें प्रोड्यूस करनी है नॉन रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल से, इसके अलावा 50% 2030 तक करनी है, CO2 का जो इमिशन है वो 1 बिलियन टन हमें कम करना है और नेट जीरो 2070 तक, ये हमारे टारगेट से। ऑलराइट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी 1974 में बना था, OECD के जो कंट्रीज है उन्होंने मिलकर बनाया था, जो कंट्रीज का मेंबर होता है वो IEA का मेंबर होता है। 1973 में ऑयल क्राइसिस आए थे, उसके बाद में इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया था। अभी इसके 31 कंट्रीज के मेंबर है, 13 एसोसिएट कंट्रीज है, हम भी इसके एक पार्ट है इसके। ऑलराइट, इसकी कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपके वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, इंडिया का आउटलुक हो गया, एनुअल एनर्जी हो गया, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो गया, एनर्जी से संबंधित जो भी रिपोर्ट आती है वो इसी के द्वारा आती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 2019 के अंदर कि कोल सेक्टर हमारे देश में इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइज किया गया, कोल ब्लॉक को लॉटरी के सिस्टम से देते हैं और कोल का हम लोग क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, तो ये तीन थे जिसमें से हमारा पहला और दूसरा, पहला ही सही है, बस इसमें कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया, बाकी दोनों ही गलत। ठीक है, चलिए, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पर हमने 3 दिन का करंट अफेयर कवर किया। ठीक है, चलो।
तो करंट अफेयर बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको ऑल्टरनेट डेज जो है वो करंट अफेयर कवर कर पाऊंगा, जिसमें पिछले साल का करंट अफेयर और हर मंथ हम लोग उसमें करंट अफेयर एड ऑन करते चलेंगे। ऑलराइट, चलिए गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।